खुश आमदीद दोस्तों, अब वक्त है इफ्तार को कुछ खास बनाने का। तो चलिए ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ इफ्तार को खास बनाने की तैयारी की जाए। आज मैं ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर के साथ बनाऊंगी एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग। तो चलिए देखें एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग में क्या क्या सामान जाएगा। बनाने की जो शुरुआत करेंगे, पहले कस्टर्ड बनाएंगे। इसके लिए आपको सॉस पैन में दूध तकरीबन, ये 1.5 कप दूध है तो मैंने 1 कप सॉस पैन में डाला है और 1/2 कप कस्टर्ड घोलने के काम आएगा। दूध डालने के बाद अब लेंगे चीनी 4 छोटे चम्मच। ये डालने के बाद आपको इसे मिक्स करना है दूध के साथ, और जब तक चीनी और दूध आपस में मिक्स हो, हम ब्राउन एंड पॉल्सन का वनीला कस्टर्ड पाउडर घोल लेते हैं ठंडे दूध में 2 बड़े चम्मच। तो मैंने छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया है, तो मैं 4 छोटा चम्मच अब इसे मिक्स कर लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये फौरन मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये फौरन मिक्स हो गया। अब हम इसे डालेंगे सॉस पैन में। और इसे चलाना शुरू कर देंगे गाढ़ा होने तक। इसको लगातार चलाते रहना है। ये लीजिए, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आप हाथ की स्पीड को थोड़ा तेज कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करना शुरू कर दीजिए। देखिए कस्टर्ड गाढ़ा हो गया, बस चलाते रहना है, आपको रुकना नहीं है। और इसे गैस ऑफ करके, जब तक कि आपका पैन गर्म है, आप इसे थोड़ा चला लीजिए। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब हम इसे रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और उसके बाद हम बनाएंगे एप्रिकॉट। ये लीजिए, अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में। चलिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हमें बनाना है एप्रिकॉट। तो एप्रिकॉट के लिए एक सूखा पैन लेंगे। पैन ऑन करने के बाद गैस को, ये एप्रिकॉट हम ड्राई वाली लेंगे, जिसे महीन महीन काट लिया है ये मैंने। इसको रात भर आपको पानी में डुबो के रखना है, जिससे कि ये अच्छे से मुलायम हो जाए। इसे पैन में डालिए। और चीनी, यहाँ भी मैं 4 छोटे चम्मच चीनी का लूँगी। इसके बाद आपको इसे थोड़ा मिक्स करके, मिक्स करने के बाद जैसे जैसे चीनी घुलेगी, एप्रिकॉट भी घुलना शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे से मुलायम हो जाएगा। देखिए चीनी एप्रिकॉट के साथ अच्छे से घुल के मिक्स हो गई है। आप धीमे आंच पर ही इसे गलाइएगा, और नहीं तो थोड़ा पानी डाल लीजिएगा अच्छे से, फिर ये मिक्स हो जाएगी। अब गैस ऑफ कर दें। थोड़ा दबाते हुए इसको मैश कर लीजिए। चलिए अब कस्टर्ड निकाल कर लाते हैं फ्रिज में से और इसकी डेकोरेशन शुरू करते हैं।
चलिए ये ठंडा हो गया है। जिस बर्तन में आपको सर्व करना है उसी बर्तन में प्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले एप्रिकॉट की लेयर बिछाते हुए इसके बाद कस्टर्ड की लेयर, इसके बाद क्रीम को व्हिप करके पाइपिंग बैग में भर लिया है। इससे हम टॉप डेकोरेट करेंगे। इसको चारों तरफ से अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए। ऐसे ही एक लेयर और चलाएंगे। अब हम आखिरी टच देंगे। आखिरी टच देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ अखरोट और बादाम निकाल रखा है। पुदीने की फ्रेश पत्ती लेंगे। तो लीजिए, बनके तैयार है एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग। इफ्तार पे इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए ब्राउन एंड पोलसन कस्टर्ड पाउडर, 1.5 कप दूध, 8 टेबलस्पून चीनी, बारीक कटी एप्रिकॉट, व्हिप्ड क्रीम, बादाम, छिला हुआ अखरोट, पुदीने की पत्तियाँ। एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग बनाने का तरीका, एक सॉस पैन में दूध और चीनी मिलाकर मिक्स कर लें। एक बर्तन में ठंडा दूध लें और कस्टर्ड पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस तैयार करदा मिक्सचर को सॉस पैन में डालें और गाढ़ा होने तक लगातार चलाते रहें। जब ये गाढ़ा हो जाए तो ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। एक सूखे पैन में बारीक कटी एप्रिकॉट और चीनी मिलाकर मिक्स करें। धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चीनी और एप्रिकॉट पिघलकर आपस में मिल न जाए। एक सर्विंग ग्लास में एप्रिकॉट की लेयर लगाएं और ऊपर से तैयार शुदा ठंडे कस्टर्ड की लेयर बिछाएं। व्हिप क्रीम से चारों तरफ से ऊपरी हिस्से को गार्निश करें। बादाम, अखरोट और पुदीने की पत्ती से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको चिकन अचारी कबाब, एप्रिकॉट कस्टर्ड पुडिंग और लीची स्मूथी खूब पसंद आई होगी और आज इफ्तार और खाने पे आप इसे जरूर बनाएंगे और अपने घर वालों के साथ मिल बांट कर खाएंगे। दोस्तों अब वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर मिलूंगी कुछ नई दिलचस्प रेसिपीज के साथ। आप अपनी राय हमें रवाना करते रहिए responseurdu@etv.co.in पर। इंशाल्लाह कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए।